हो गया। तो ये हुआ आपके पास डबल नेटिंग का कॉन्सेप्ट। डबल नेटिंग में हमने क्या लिया, यहां दोबारा एक बार समझ लो, देखने में आसानी हो। इसको जब मैंने आगे भेजा इसको जब यहां भेजा तो यहां तक तो इसका नाम यही था, यहां तक तो सोर्स आईपी का नाम यही था 10.1.1.1। लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचा, यहां पर सोर्स आईपी एड्रेस बदल गया 192.160.50.55 हो गया। और यहां से मैंने डेस्टिनेशन आईपी भेजा था 192.160.50.10। ये यहां तक तो सेम रहा, लेकिन जब ये यहां बदल के इधर आया तो इसका डेस्टिनेशन का नाम बदल गया 10.1.1.2। आगे बात समझ। अब देखो साहब कैसे कैसे नहीं खुलता है, अभी भी पॉलिसी नहीं लगानी पड़ेगी, सेम ही जोन है। तो फिर आ जाओ यहां पे, PaloAlto में चले गए, एसोसिएशन पहला वाला पड़ा हुआ, इसको क्लियर मार देता हूं, क्लियर सेशन ऑल एसोसिएशन। आर वन पे गए, डीबग कमांड चला रखी है, टेलनेट मैंने किया इसी को और एंटर मारा और सेशन बन चुका है। इस्टेब्लिश लिखा हुआ आ गया कहीं, अगर मैं तुम पासवर्ड ही बोल दिया, उसने 1234 कर दिया, पहुंच गया मैं R2 पे और यहाँ डबल नेटिंग हो गई। अब आप इसको आराम से पढ़ लो बड़े प्यार के साथ में कि हो गई कि नहीं हो गई। अब आप देखो कि ये जो नंबर है 10111 यहाँ से जब निकला है तो इसका ट्रांसलेशन 122.160.50.55 कर दिया, ठीक है, चमक रहा है। और जहाँ हमने इसको हिट किया था, इस वाले को हमने हिट किया था, ये क्या नाम बदल गया, ये वाला नाम चेंज हो गया। आ गई बात समझ, क्या हुआ कुलदीप किसमें, तो सिंगल नेट में काम तो हो जा रहा है, या तो काम ही नहीं होगा ना या तो काम ही नहीं हो ना। कंपलसरी टास्क है डबल नेट इस यूटर्न के अंदर, अगर सेम सब नेट पे हो काम ही नहीं होने, ठीक है ना भी। हम बदल तो किसी को भी सकते हैं जाके, लेकिन वहाँ तो सिंगल में काम हो जा रहा है ना आपके पास, यहाँ तो कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा, तब बिना उससे काम ही नहीं होने का। अब बाकी इतने रूल हैं, बाकी जो लगाना है लगाओ करो, ये तो फ्री पोर्टल है आपके पास, आपके पास ये आ गई समझ में। ये हो गया सेम जोन के अंदर डबल नेट का कॉन्सेप्ट चेक कर लिया हमने, खुल भी गया आपकी आंखों के सामने, ठीक है ना। अब हम चलते हैं डिफरेंट जोन की तरफ, एक लैब और करते हैं, क्या टाइम हो गया भैया, हाँ तो बस 10 मिनट का टाइम और दे दो यार, वो भी ख़त्म हो जाए, वो क्यों पेंडिंग डालो हाँ बिल्कुल जी, 2 मिनट लगेंगे, बस रुक जाओ 2 मिनट लगेंगे। ये आपके पास, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक पॉलिसी बनेगी, एक वो बनेगी, इसको यहाँ से हटा दूँ पहले। आपकी क्लास वीडियो भी मैं बना रहा हूँ देने के लिए नहीं, यहाँ डालने के लिए। एक तो मैंने वो वीडियो बनाई है जो कि अपनी पर्सनल बनाई है, ठीक है ना, वो तो ऐसे लोगों के लिए बेचारा जो मेरे से कभी पढ़े ही नहीं, वीडियो से पढ़ेगा, तो बच्चे लेवल की सारी बनाई, कहाँ जाओ, कौन से टैप पे खिसकाओ, कहाँ खिसकाओ, एक तो वो बनाई है। वो सर्वर पे डल गई ना सर? हाँ सर्वर पे वो पड़ गई हैं। और दूसरा ये कि क्या नाम है, ये जो वीडियो बन रही है ये बोनस वीडियो के नाम से, जिस जिस टॉपिक की बनती रहेंगी वो उस टॉपिक में जाके डाल चलती रहेंगी। तो ये आपके सामने बनी हो तो आपको समझने में आसानी, इसमें वो डिस्कशन हो गया जो आपके लाइव डिस्कशन हो गए। अच्छा
अच्छा इसका मिनट बाद में ही कर लेंगे, पॉलिसी बना दें, पॉलिसी क्या बननी है। अब यहाँ से हमने किसको खोलने गए, अच्छा एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, वो तो खैर पीछे दिखाई दिया सेम वाले में आपके पास सेम पे सर्च कर रहे हैं तो वो नहीं खुल पा रहा है, अब डिफरेंट पे और कर लें इसी पे पहले फिर जाएं इसके ऊपर। अभी हमने कहा था कि सेम सबनेट पे खोलेंगे, सिंगल नेट पे नहीं खुलेगा, सेम सबनेट पे खोलेंगे डबल नेट पे तो खुल जाएगा, ये हो गया। अब हम करते हैं सेम ही सबनेट के ऊपर डिफरेंट सबनेट आईडी के ऊपर। अभी हमने किया था इस वाले आईपी से इस वाले आईपी को खोलना चाहते हैं वाया इसके थ्रू, तो सिंगल नेटिंग के अंदर ओपन नहीं हुआ, डबल नेटिंग की ओपन हो गया। अब मैं इसी को ओपन करना चाहता हूं लेकिन डिफरेंट उससे, क्या नाम है, आईपी से, तो मुझे जो है सिंगल नेट में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सेम जोन में आपके पास डबल नेट लगानी पड़ेगा, क्योंकि सबनेट आईडी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। डीएमजी पर नहीं जा रहा मैं अभी ट्रस्ट पर ही हूँ फिर दोबारा से, अभी मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि लैब बन रही है तो जो मैंने वहाँ पर बनाई समझा ही दूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, इसको हिट करना चाहता हूँ और इस पर डाइवर्ट करना चाहता हूँ, तो सोर्स आईपी क्या जाएगा, 10.11.11.254, डेस्टिनेशन आईपी क्या गया, ये वाला गया, लेकिन ये चेंज किस में हो गया, ये डेस्टिनेशन आईपी बन गया 10.1.1.2 के ऊपर। अब ये मुझे रिप्लाई करेगा, जब ये मुझे रिप्लाई करेगा यहाँ से तो रिप्लाई में सोर्स आईपी क्या होगा 10.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, क्योंकि मेरा नाम तो चेंज हुआ नहीं है, मेरा नाम तो क्या आया हुआ है, सोर्स आईपी एड्रेस वही आया हुआ है 10.11.11.254, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या बनेगा 10.11.11.254, तो ये क्या भेजेगा, ये गेटवे पर रिक्वेस्ट भेजेगा, चला गया पालो अल्टो के ऊपर, और कैसे आ जाएगा, किस पे, वो तो तब जाके होगी, आप अपना सिनारियो बनाओगे तो, मैं इस सिनारियो की बात कर रहा हूँ भाई, इसमें तो स्विच लगा रखा है नॉर्मल, हमने तो नॉर्मल स्विच लगा रखा है ना, आप जिसकी बात कर रहे हो वो सिनारियो मुझे बना के दो फिर मैं उसमें टेस्टिंग कर दूँ, मैं तो करंट सिनारियो की बात कर रहा हूँ वो सिनारियो आप मुझे बना के दो फिर मैं उसको करके देखता हूँ क्या करने का है, ताकि यहीं से डाइवर्ट किया जाए, तो यहाँ से हमने किया ये, फिर यहाँ से राउट इसको कर देगा, तो मुझे यहाँ पे सिंगल नेट की जरूरत पड़ेगी, डबल नेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा आपके पास आईपी एड्रेस डायरेक्टली नहीं हो रहा, ये डायरेक्टली यहाँ आता तो दिक्कत होती, ठीक है ना, करके दिखाऊँ या हो जाएगा, हैं हाँ हाँ, तो ये तो ये हुआ, अगर डीएमजी में जाना है तो डीएमजी के अंदर आपके पास जो करना चाहते हो सोर्स आईपी एड्रेस आप चाहें ये लो कि ये लो, यहाँ से लिया, मुझे इसका टेलनेट एक्सेस करना है 23 का, तो मैं यहाँ से हिट करूँगा इस वाले आईपी एड्रेस को, और वो क्या करेगा, इस वाले आईपी एड्रेस के ऊपर डाइवर्ट कर देगा, रिक्वेस्ट चली गई आपके पास, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ रिक्वेस्ट के रिप्लाई की, कम उसकी बात नहीं कर रहा, अभी पिंग होगा कि नहीं वो तो पॉलिसी लगाएंगे हम, जब रिप्लाई वापस आएगा सोर्स आईपी एड्रेस ये होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये होगा, डिफॉल्ट राउट इस पे पड़ा हुआ, ये पालो अल्टो पे हिट करेगा, फिलो बना हुआ है आपके पास, ये इधर भेज देगा। अब चूंकि सिंगल नेट पे काम हो गया, लेकिन ये चूंकि डिफरेंट जोन है तो यू हैव टू क्रिएट दी पॉलिसी, पॉलिसी बनाएंगे तो ये ट्रस्ट जोन से आएगा और अनट्रस्ट की नहीं बनेगी, ट्रस्ट टू डीएमजी की पॉलिसी बनेगी, करके देखना तो मैं दिखाया, तुम एक मिनट लगना, रुक जाओ फिर कहोगे जी हुआ नहीं, उसमें देर तो लगनी नहीं है हाँ एक ही मिनट लगना जी, ज़्यादा नहीं लगना। यहाँ चले गए पॉलिसी के ऊपर, इसको डिलीट मार दो यहाँ से, यहाँ जाने के इसको यहाँ से हटा दिया हमने, इसको मिनिमाइज कर दिया, यहाँ से ऐड पे चले गए, ये आपके पास नेट पे बैठे हुए हैं, ये कुछ भी नेट डाल दिया हमने, चलो नेट हो गया, ये ओरिजिनल पैकेट पे चले गए, ओरिजिनल पैकेट कहाँ से आ गया, ट्रस्ट से आ गया आपके पास, सोर्स आईपी एड्रेस आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि साहब 10.1.1.1 मौजूद है, ठीक है, डेस्टी कुछ डिफरेंट जोन हो गया ना इधर, कुछ भी आईपी हो ये ले लो डिफरेंट ही हो गया सबनेट आईडी, कुछ भी आईपी ले सकते हो, एनी ले सकते हो, एनी कर लो यहाँ पे, इसकी जगह पे आप एनी मार दो यहाँ से एनी रहने दो, कोई भी आ गया ट्रस्ट जोन का, कोई मेंबर आ गया
एंट्रेंस गया E1 बाय 3 के ऊपर हिट करेंगे जाके बाहर। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस आप फिक्स रखोगे, ये आपके पास 122 हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, और आपके पास ये 10 हो गया, 160 हो गया, उल्टा हो गया, 160 हो गया, 50 हो गया, ये 10 हो गया। ट्रांसलेशन पैकेट में जाओगे, सोर्स ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें करने की ज़रूरत थी, यहाँ दिक्कत हो रही थी। डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन करना है, स्टैटिक वाईपी पे करना है, उसका नाम है 172 है, 16 है, 17 है, 3 है, कोई सा भी पोर्ट खुलवाना है, ओके कर दिया, आप 172 16 17 3 कर दिया, ओके कर दिया, ये बन गया आपके पास नेट पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी में चले गए, सिक्योरिटी पॉलिसी में हम गए यहाँ पे, और यहाँ पे पॉलिसी बना दी हमने, कुछ भी पॉलिसी बना दी, लेट से पी कर दिया। सोर्स कहाँ से आएगा, ट्रस्ट जोन से आएगा, सोर्स आईपी एड्रेस कुछ भी हो गया। डेस्टिनेशन कौन आएगा, आपके पास डीएमजी आएगा, और डेस्टिनेशन का कोई सा भी आईपी एड्रेस ले लिया या स्पेसिफिक आईपी ले लिया, एनी में कुछ भी हो जाएगा, ओके कर दिया इसको, पॉलिसी यहाँ से पुश कर दी। अब वहाँ पे टेलनेट आपके पास ऑन होना चाहिए, वहाँ जाके देख डाल लेता हूँ कमांड में इसके ऊपर, क्योंकि टेलनेट की कमांड शायद ना पड़े हों। तो यहाँ से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले 172.16.17.254 ठीक है हो रहा है, नहीं तो पिंग वो उसको करवाया गेटवे को, कॉन्फिग टी पे चला गया, लाइन VTY पे चला गया, जो लाइन VTY की ज़रूरत नहीं है, पिंग ही करके देख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, डीबग IP ICM पिंग का तो ट्रैफिक बिना उससे काम कर ही जाएगा। मुझे यहाँ से हिट करना है R1 से, पालो ऑल्टो आपके पास ये रहा, यहाँ से आप सेशन देख सकते हो, ये उसका बना हुआ है, बाकी सेशन पिंग का आएगा, जो भी आएगा R1 से मैं पिंग भेज दूँगा यहाँ से, अभी R2 है, यहाँ से एग्जिट किया मैंने, यहाँ से मैंने पिंग मार दिया, पिंग मारा 112.160.50.10 को पिंग मारा, ये रिक्वेस्ट चली गई, ये रिक्वेस्ट 3 पर आ गई होगी, 3 को ये पता लग रहा है कि सोर्स आईपी एड्रेस यही आया हुआ है, ट्रांसलेशन सोर्स आईपी के एड्रेस का नहीं हुआ, ठीक है ना। हमने तो हिट किया था किसको, हमने तो इसको हिट किया था, पब्लिक को हिट किया था, ये ट्रांसलेशन हो गया, उसके अंदर चला गया पालो ऑल्टो के अंदर सेशन में लिखा होगा, क्या हुआ निकल गया, एक मिनट रुको, वो सर्वर बना रखा है उसने, काम कर रखा हुआ है, इसको रिपीट बढ़ाना पड़ेगा तो जाके नज़र आएगा, 6 सेकंड में निकल जाता है, जल्दी से भाग जाता है, यहाँ पे अब आपको नज़र आ जाएगा, पिंग आपके पास नज़र आ जाएगा, आ गया, ये जा रहा है, इसको चेंज किया, DMZ में चला गया, चला गया, ठीक है जी। तो सारी तरह के नेट ख़त्म हो गए, कोई नेट पालो ऑल्टो में किसी किस्म का नहीं बचा हुआ है। हाँ बिल्कुल बना दो जी, अब इसको यहाँ से क्या करूँ, एड्रेस में चले गए पहले, नाम लिख दिया कुछ भी, हाँ नीचे आऊँ एड्रेस ग्रुप में, हाँ ठीक है, उसमें उसको कॉल ऐड न्यू कर लिया, ये चेक नहीं किया भाई साहब, स्टैटिक ही चेक किया, इतना चेक, आपने इसको डायनेमिक रख दिया, डायनेमिक रख दिया, तो ये डायग्राम ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, तो आपने जो है अनट्रस्ट से हिट किया, बाहर से हिट किया, बाहर से आपने कोई ठीक है, हाँ हाँ टेलनेट होना चाहिए, R3 को, हाँ ठीक है, R4 R2 R1 चारों हैं, ठीक है, अच्छा ऑटोमेटिक इंक्रीज कर दिया, हाँ वो चेक नहीं किया, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं चल रहा हूँ फिलहाल जितना है, फिलहाल आप 1 साल तक वैलिड हो वीडियो को सुनने के लिए, चिंता ना करो, जितने बंदे रहेंगे मना नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने पहले बोला कि मेरे पास जितना मैंने नेट पढ़ाया है इतना आपको नोएडा में इतना अच्छा क्यों नहीं पढ़ाएगा, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना, जितने करा दिए मैंने आपको इतनी डेप्थ में भी कोई नहीं कराएगा, समझा के सब एक दिन के अंदर सारे ख़त्म कर लेंगे बिना समझाए हुए। हाँ जैसे राउटिंग प्रभु ने अच्छी की है मेरी, BGP मुट्ठी में किया, MPLS किया हुआ है, स्विचिंग किया हुआ है, ऐसा होने में 1-2 साल लगेंगे, चूँकि अभी एंटर हुआ हूँ इसमें है कुछ नहीं मेरे अकॉर्डिंग। जिसको राउटिंग आती है, जिसको स्विचिंग आती है, उसके लिए बड़ा आसान है, टर्मिनोलॉजी का गेम है। राउटिंग बहुत ठीक है, सब कुछ वही है, राउटिंग मतलब
तो राउटिंग रही, बीजीपी रही, मेरी वो स्विचिंग रही, एमपीएलएस रहा, उसमें तो आप मेरे को सोते पे ही बोलोगे सर दिक्कत आ रही है, तो मैं इंशाल्लाह बता ही दूंगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। सालों हो गए इसकी भी हो जाए, जिस तरह जो भी क्वारीज आ रही है ना इस तरह की, जैसे इन्होंने कहा भाई उसमें बनाएंगे तो वो डायग्राम मुझे बना के देके जाओ ताकि मैं इस पर आऊँ, और ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ आपका वाला, ठीक है ना। ये देखता हूँ क्या क्या करता, क्योंकि अभी तो जो जो कर रखा है ना मैंने। चलो ठीक है, क्लास तो ख़त्म करें फिलहाल, भीष्म भाई क्लास ख़त्म कर रहे हैं, भीष्म तो है ही नहीं, क्लास ख़त्म कर रहे हैं। उसमें जो है आवाज़ जो ढंग से जा नहीं पाती है।